दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड द्वारा अभी हाल ही में वैकेंसी निकाली गई है जो कांस्टेबल और एसआई के लिए है। ठीक है, वह करीब करीब 7110 पोस्ट का है, तो हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ इसमें देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है और इसमें कुछ अनिवार्यताएं दी गई हैं उसके बारे में बात करेंगे, एज से संबंधित बात करेंगे और फिजिकल संबंधित बात करेंगे, इससे एग्जाम संबंधित बात करेंगे। ठीक है, हम सारी चीज़ों पर एनालिसिस करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, और इसमें 7110 पोस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये यूपी ईएसआई से छोड़ के और यूपी से निकल के आप हरियाणा या और किसी स्टेट से निकल के आप हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं तो आपका बढ़िया अवसर है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें और साथ ही साथ 7110 पोस्ट होने की वजह से चांस भी आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर पूरा डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा ऑन कर दीजिएगा जिससे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो विज्ञापन नंबर है वह 3/2018 है। ठीक है, और इसका जो पब्लिकेशन का डेट है वह 16/4/2018 को पब्लिश कर दिया गया था और इसमें दिया है, देखिए, ओपनिंग टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो इसका फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होने का टाइम दिया गया था वह है 28/4/2018। ठीक है, ये अप्रैल से स्टार्ट होगा, मई तक चलने वाला है, ये मई 28 तारीख तक इसमें दिया है क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ठीक है, ये जो 28/5/2018 तक 11:59 PM तक ये ऑन रहेगा। साथ ही ये जो क्लोजिंग डिपॉजिट फीस है, आप एप्लीकेशन भरने के बाद 28 तारीख तक आप एप्लीकेशन किसी भी हालत में सबमिट कर दीजिए 28 मई तक, और अगर आप फीस नहीं जमा कर पाए हैं तो आपको दो दिन और टाइम दिया जा रहा है, वह है 30/5/2018 तक और 11:59 तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके महत्वपूर्ण डेट जो हैं 28 अप्रैल से आप लेके 28 मई तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फीस जमा कर पा रहे हैं तो आप 30 तारीख से लेकर आप 11:59 तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो फॉर्म डालने से रिलेटेड है। अब हम लोग इस पर बात करते हैं जो इसकी वैकेंसी वैकेंसी है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशंस। ठीक है, अपन हम लोग आ जाएंगे इसके पोस्ट और क्वालिफिकेशन क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो इसमें यह है पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से कैटेगरी नंबर 1 में है, 5000 पोस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट जनरल ड्यूटी। ठीक है, तो इसमें दिया गया 5000 जो पोस्ट हैं वह मेल कैंडिडेट के लिए हैं, पुरुष कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, इसमें जो है पोस्ट जनरल के लिए है 2300 और एससी के लिए 900 और बीसीए के लिए 700 और बीसीबी के लिए है 400 और ईएसएम जनरल के लिए 350। ठीक है, और ईएसएम एससी है 100, ईएसएम बीसीए है 100, ईएसएम बीसीबी है 150। ठीक है, तो ये तो इतने पोस्ट हैं, आप इसमें देख लीजिएगा, ये कैटेगरी में बांट दिया गया है इतने पोस्ट में 5000 में। ठीक है, इस हिसाब दिया गया है और 5000 केवल मेल कैंडिडेट के लिए हैं पोस्ट है। और जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं 1147 पोस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है और इसमें भी कैटेगरी वाइज बांट दी गई हैं सीटें। ठीक है, और इसके बाद जो है कुछ पोस्टें रिजर्व कर ली गई हैं जिसमें से हैं 500 पोस्ट है, इसमें दिया है 500 पोस्ट ऑफ इंडिया रिजर्व बटालियन ऑफ हरियाणा स्टेट मेल कांस्टेबल, ये मेल कांस्टेबल के लिए 500 पोस्ट रिजर्व कर रखी हैं। ठीक है, उसमें कैटेगरी दिया गया जनरल बीसी बीसी करके। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको मैं दिया जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द कैटेगरी 1, 2, 3, आप इसमें देख सकते हैं जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह कैटेगरी वाइज बार दिया गया 1 और 2, 3 के हिसाब से, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया पहला कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 और इट्स इक्वल फ्रॉम द रिकॉर्ड एजुकेशन ऑफ द बोर्ड। इसमें बोला गया है कि आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इसके जो इंस्टीट्यूट हैं या आप किसी भी जो इससे संबंध रखता है बोर्ड से, आप उसे पास होने चाहिए 12 पास होने चाहिए। ठीक है, 12वीं पास होनी चाहिए 10+2, और साथ ही साथ आपको दिया इसमें हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड फॉर या हायर एजुकेशन, आपको हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, या तो हिंदी संस्कृत इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। और अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इसके जो क्वालिफिकेशन में दिया था, ठीक है, ये हो गया। और इसमें जो मेल और फीमेल के लिए
फिजिकल में मांगा है, तो इसमें 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए मांगा है चेस्ट, और चेस्ट जो है 83 सेंटीमीटर है, और इसी तरह हिसाब से 168 सेंटीमीटर है जो रिजर्व कैटेगरी के लिए, और चेस्ट है 81 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए, और फीमेल के लिए साथ ही साथ इसमें दिया गया 158 सेंटीमीटर जो दिया है हाइट, वह फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी के हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 156 सेंटीमीटर है हाइट, ठीक है। और मेल में जो हाइट है वह 170 है, 168 है, और फीमेल में 158, 156, और चेस्ट में जो है मेल में 83 और रिजर्व वाले के लिए 81, और जो चेस्ट महिलाओं के लिए वो नील है, मतलब उनके लिए चेस्ट की कोई वो नहीं है वैधता, ठीक है। और आप देख सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन नेचर ड्यूटी, ये तो होगा ही आपका। और साथ ही साथ एज देख लेते हैं, इसमें एज जो मांगा है वह है 18 से 25 वर्ष, ठीक है, आपको 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं 18 से 25 साल कब से कब तक के लिए मांगा है, वह आप 1/4/2018 के बीच में होने चाहिए, ठीक है, 1/4/2018 के बाद से आपकी गणना नहीं की जाएगी। और इसमें दिया है फार एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ छूटें दी गई हैं, इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, द ब्रेक इन सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, इसमें बोला गया है 1/4/2018 इन विच इन्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल बी स्टैंडर्ड फॉर द ईयर ऑफ द पर रूल, इतना तो ठीक है। तो ये जो रूल है, रूल के हिसाब से कुछ है, जो इनके नियम बताए गए थे उसके हिसाब से, रूल से 1934 के हिसाब से जो पंजाब पुलिस के रूल्स हैं उसके हिसाब से इनमें 1/4/2018 के बीच जो सर्विसमैन हैं उनके लिए कुछ वरीयताएँ दी गई हैं, उस पर हम देख सकते हैं। और आपको 5 साल की छूट भी दी जाएगी, ठीक है, इसमें जो छूट के लिए बैकवर्ड क्लास कैटेगरी सिलेक्शन आप जो लिमिट मिट है ये दिया गया है इसमें। और साथ ही जहाँ जो महत्वपूर्ण है उसमें आप देख लीजिएगा, इसका जो पे स्केल है वो है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का, ठीक है, ये इसका पे स्केल दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा स्केल है इसका। और अब आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के जो पोस्ट हैं, 400 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर के जो हैं मेल के लिए, इसमें 400 पोस्ट दिए गए हैं, इसमें जनरल एससी बीसी और इसी हिसाब का डिग्री बार दी गई है, तो इसमें कुल मिलाकर 400 पोस्टें हैं, ठीक है। और जो महिला पोस्टें हैं फीमेल के लिए वह है 63 पोस्ट, सभी का टेक्निक बार दी गई है जनरल बीसी में। तो आप इसमें देख सकते हैं जो इसका जो सब इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है उसको आप देख सकते हैं, ये मांगा है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी, अब इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, किसी भी आप उसे हो लेकिन आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीबीएससी एमएससी कुछ भी आपकी हो, ठीक है। और उसके साथ आपको संस्कृत और हिंदी, इसमें भी मैट्रिक लेवल और हायर एजुकेशन लेवल की योग्यताएँ होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी संस्कृत इसमें भी मांगा है। और इसमें जो हाइट दिया गया है सब इंस्पेक्टर के लिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए है, और जनरल वालों के लिए और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 168 सेंटीमीटर है, और इसी हिसाब से मेल के जो चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर है, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए मांगा है वो 81 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं फीमेल के लिए हाइट मांगा है 158 सेंटीमीटर, और जनरल के लिए और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए मांगा है वो 156 सेंटीमीटर है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और चेस्ट कुछ भी नहीं है महिलाओं के लिए, ठीक है। और आप इसमें आप देख सकते हैं इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ऑफ द इसकी तो यही है, और इसका जो एज है वो 21 से 27 साल मांगा गया है सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, आप 21 साल से लेकर 27 साल के बीच होने चाहिए, 1/4/2018 के बीच में, ठीक है। और आपको मैं अब इसमें आगे देख लेता हूँ क्या दिया गया है इसमें, और हाँ, इसका जो पे स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब पे स्केल आपका 35,400 से 1,12,400 के बीच है, कितना है 35,400 से लेकर 1,24,400, ठीक है, पे स्केल सब इंस्पेक्टर का, तो काफ़ी अच्छी जॉब है ये, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसमें एक बार अप्लाई करके आजमाइए, ठीक है। और इसका जो फीस डिटेल है मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ, तो उस पर आप देख लीजिए, जनरल मेल के लिए जो है जनरल मेल फीमेल के लिए है 100 रुपये, 1, 2, 3 में अगर आप डालते हैं कैटेगरी, और अगर कैटेगरी 4, 5 में आप डालते हैं तो 150 रुपये चार्ज लेंगे आपको, और एक्स सर्विस मैन हरियाणा के अगर आप हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। और ये तो हो गए आपके मेल फीमेल, ठीक है, और अगर आप हरियाणा से बाहर की फीमेल हैं तो आपको इतने वहन करने होंगे, अगर आप हरियाणा की ही फीमेल हैं तो आपको 50 रुपये देने होंगे एक कैटेगरी 1, 2, 3 में डालने के लिए फॉर्म, और कैटेगरी 4, 5 में फॉर्म डालने के लिए एसआई के लिए मतलब 75 रुपये आपको लगेंगे, और पुलिस के लिए 50 रुपये अगर आप हरियाणा की महिला हैं तो, ठीक है, एक सर्विस मैन हैं तो कोई वही नहीं। और जो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है एससी बीसी के लिए उनके लिए मेल के में 25 रुपये है,
एक दो तीन कैटेगरी के लिए, मतलब पुलिस कांस्टेबल के लिए फीमेल के लिए है 13 रुपये, और उसके बाद जो 4-5 है SI के लिए, उसके लिए आप मेल के लिए देना होगा 35 रुपये और फीमेल के लिए 18 रुपये। ठीक है, ये हिसाब से आपका फीस डिटेल्स हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, अब हम लोग जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें आपको है देख सकते हैं फिजिकल सिगरेट टेस्ट जो है, इसमें फिजिकल के लिए कैंडिडेट मेल के लिए है जो है, ये 2.5 किलोमीटर दौड़ है आप उसको पूरा करना है 12 मिनट में, और फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर दौड़ है उसको 6 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, और एक सर्विस मैन के लिए 1 किलोमीटर दौड़ है जो उसको 5 मिनट में क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया फेशियल स्कैनिंग टेस्ट। ठीक है, PhD आपका हो गया, और उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया गया, एडिशनल क्वालिफिकेशन 10% वेटेज है, इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन 10% आपको वेटेज मिल जाएगा अगर आप एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो। ठीक है, आपको मैं आगे देखता हूँ आगे क्या चीज़ें दी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो अब तो लगभग मुझे लग रहा है कि हो गए हैं, अगर आपको और भी चीज़ जानकारी इसमें से लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर ज़रूर आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब मैं सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को